हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोनिका मलिक आज आपको शाही चिकन कौरमा बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी है। तो चलिए मेरी किचन में चलते हैं। शाही चिकन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हाफ के जी हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने क्लीन करके पूरी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें 2 स्पून कर्ड डालेंगे, गार्लिक पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी रेड चिली ऐड करेंगे, वाइट पेपर डालेंगे, आप चाहे तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। 2 लेमन का रस इसमें ऐड करेंगे। लेमन हमें फ्रेश लेना है, क्योंकि फ्रेश में जूस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने 2 लेमन का रस ऐड करना है। स्पून की हेल्प से पूरी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें पूरी तरह से मिक्स हो जाएं। 2 स्पून काजू का पेस्ट डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। वन स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी होता है, मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ इसमें। ये चिकन का मैरिनेशन हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको कवर करेंगे और 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। विंटर्स है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। और हमें इसके लिए चाहिए बादाम। बादाम को हमने गर्म पानी में सोक कर दिया था 1 घंटे के लिए। ऐसे ही हमने काजू को भी, 1 कप काजू को गर्म पानी में सोक करके पानी निकाल लिया है। काजू इसमें थोड़े ज़्यादा लगते हैं। और 2 स्पून मलाई, पिसे हुए प्याज, ज़ीरा, सॉल्ट और 1 गिलास नॉर्मल टेम्परेचर पर मिल्क। और हमें चाहिए लंबे कटे हुए प्याज, लहसुन चाहिए 20-25 कलियाँ, 2 तेज़पत्ते, ग्रीन चिली 2, साबुत लाल मिर्ची, 5-7 लौंग और मोटी इलायची। तो ये सारी चीज़ें हमें शाही चिकन कौरमा बनाने के लिए चाहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल 2 स्पून डालना है। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 स्पून। ज़ीरे को ब्राउन करेंगे, इसमें साबुत लाल मिर्ची डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे। लौंग ऐड करेंगे और छोटी और मोटी इलायची को खोल कर डालेंगे, या फिर इसे थोड़ा सा क्रश करके भी हम डाल सकते हैं, ताकि इसका अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाए। लहसुन की कलियां ऐड करेंगे 20-25, हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1, और दालचीनी डालेंगे। और इसको प्रॉपर ढंग से मिक्स कर लेंगे। लंबे कटे प्याज ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने 3 प्याज लिए हैं। और इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्ट हमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी सॉल्ट डाला था, इसलिए सॉल्ट कम ही डालना है। इसे मिक्स करेंगे और इसको कवर करेंगे और 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, चलिए हम चेक करते हैं। और बीच बीच में भी हिलाते रहेंगे। इसमें हम काजू ऐड कर देंगे 1 कप, जो हमने भिगो के रखे थे, और बादाम ऐड कर देंगे और इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको 1 मिनट और पकाएंगे,
ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें ग्रेवी वाइट चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो ग्रेवी हमारी अच्छी नहीं बनेगी, वाइट कलर की नहीं बनेगी। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको थोड़ा और पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। अब एक प्लेट लेंगे और सारा जो है मिक्सचर उसमें निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद ही मिक्सी में पीसना है। ये छोटी छोटी टिप्स जो मैं बता रही हूँ वो ज़रूर ध्यान रखना, अदरवाइज़ आप गरम गरम पीस दोगे तो वो मिक्सचर जो है मिक्सी से बाहर निकल जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। मिक्सचर ठंडा हो चुका है, एक मिक्सी का जार लेंगे और सारा उसमें शिफ्ट कर लेंगे ये मिक्सचर। ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बहुत है, तो इसको मिक्सी में डालेंगे और एक स्मूथ पेस्ट हम रेडी करेंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से ज़्यादा दूध नहीं डालना। इसको कवर करेंगे और एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, 2 स्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल के ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल डालती हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है। और तेज़पत्ता डाल देंगे और मोटी इलायची इसमें खोल कर डाल देंगे। मोटी इलायची को खोल कर डालना है ताकि इसके जो दानों का फ्लेवर है इसमें आ जाए। और इसको स्पून की हेल्प से हम मिक्स कर लेंगे। प्याज का बारीक पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको हम कवर करेंगे और हल्का सा ब्राउन होने देंगे। बस 2-3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, इसमें थोड़ा लौंग ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना, नहीं तो ग्रेवी डार्क बनेगी। हमें वाइट ग्रेवी चाहिए। अब इसमें सारा जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो ऐड कर देंगे। और इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इक्वल कुक हो। रेड चिली ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिक्स करेंगे। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे, आप चाहे तो चिली को काट कर भी डाल सकते हैं बारीक बारीक, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये डिश बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और लाजवाब बनकर रेडी होती है और बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वाइट कलर की होती है और इसको बनाना बहुत ही ईजी है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, मिक्स करेंगे एक बार फिर से। बीच बीच में मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे इसमें। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए या फिर पार्टी हो तो आप इस डिश को बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसे कवर करेंगे और 10-15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। हमें ये जब तक पकाना है तब तक कि चिकन जो है पूरी तरह से गल ना जाए। अब हम इसको कवर करेंगे और इसके गलने तक पकने देंगे। 15 मिनट में पक जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए इस टाइप का हो चुका है। अब हम इसमें बादाम और काजू वाला जो पेस्ट था वो ऐड कर देंगे सारा। और इसको प्रॉपर ढंग से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, 1/2 गिलास दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से ज़्यादा दूध नहीं डालना। और दूध भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, नहीं तो अगर हम एकदम से ठंडा डाल देंगे तो सारी जो ग्रेवी है वो फट जाएगी। इसको मिक्स करेंगे
और 3-4 मिनट तक और पकाएंगे इसको। ये देखिए, चलिए चेक कर लेते हैं, ऊपर की साइड घी आ गया है, यानी ये बिल्कुल प्रॉपर ढंग से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें घर की बनी हुई मलाई ऐड कर देंगे। आप चाहे तो अमूल की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसमें। हमने यहाँ पर घर की बनी हुई मलाई ऐड की है 2 स्पून। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर ढंग से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितनी परफेक्ट ग्रेवी बनकर हमारी रेडी हुई है। ये चिकन जो है शाही कोरमा बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इसकी ग्रेवी वाइट कलर की होती है और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और लाजवाब बनकर रेडी होती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप ये वाली डिश बनाकर सर्व कर सकते हैं। फिर देखिए गैस जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसे कवर करेंगे और 1-2 मिनट इसे और पकाएंगे। गैस को बिल्कुल सिम करेंगे। ये 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा चिकन कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, है ना? तो जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए आप इस रेसिपी को बनाकर सर्व कर सकते हैं। फिर देखिए गैस जो है उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको सर्व कर लेते हैं। एक फैंसी सा बाउल लेंगे और उसमें ये सारा जो है चिकन कौरमा डाल लेंगे। ग्रीन चिल्ली से डेकोरेट करेंगे। फ्रेश क्रीम या मलाई से हम इसको कोई भी डिज़ाइन बना लेंगे। ग्रीन लीव से डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो पुदीना लीव, तुलसी लीव, कोई भी लीव्स आपके पास हो तो उसे इसको डेकोरेट कर देना। देखिए बीच बीच में हम लीव्स लगा लेंगे ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो ये हमने लीव से डेकोरेट इसको कर दिया है। थोड़े से काजू से हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये डिश बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर रेडी होती है और बहुत ही डिफरेंट है। तो ये काजू से हम इसको डेकोरेट कर देंगे और झटपट से बनकर रेडी हो जाती है ये डिश। और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहे तो वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा शाही चिकन कौरमा बनकर रेडी हो चुका है। देखा कितना इजी था ना इसको घर पर बनाना। आप इस रेसिपी को ट्राई करना और अगर आपको पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर देना और अपनी फैमिली को हेल्दी हेल्दी खाना बनाकर खिलाना ताकि आपकी फैमिली में सब हेल्दी रहें। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि हम नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाय गाइस, ये देखिए हमारा शाही चिकन कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ट्राई करना और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।